हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। अगेन टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। हमने जो आपको पता ही है, मैंने हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दैट आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाई NTA इन जून 2023। और जो इवन जो स्टूडेंट्स फर्दर दिसंबर 2023 के लिए कर रहे हैं, वो भी मेरी सीरीज को ज़रूर देखें। मैं 100% शॉर्ट टॉपिक्स को कवर अप कर रहा हूँ जिनमें से पेपर में क्वेश्चन आए ही आए हैं, और जो फ्यूचर में पेपर होने वाले उनमें से भी NTA इन टॉपिक्स को, उन पेपर्स में भी NTA इन टॉपिक्स को डैम श्योर है टच करेगा ही करेगा। सो जैसे कि आज आपको पता ही है, आज मैं अपना 16 सेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। हमने ऑलरेडी कल कहाँ तक कर लिया था, ऑलरेडी हम ये सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, इंडियन गैप, उसके सोर्सेज, क्रिटिकल वैल्यूज एट की, हेजिंग की, डेरिवेटिव, ये सब कुछ कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो हमारा टॉपिक नंबर 202 है। जब से मैंने ये सेशन स्टार्ट किए, उसमें से 202 नंबर यानी 202 नंबर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो स्टार्ट का टॉपिक है। सो बिफोर स्टार्टिंग टूडे सेशन, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्शन। देखो, डिस्पर्शन क्या है? ये एक मेजर है। किस चीज़ की मेजर है? ये मेजर है ऑफ हाउ स्प्रेड आउट द डाटा इज एंड इट कैन बी मेजर बाई रेंज वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा से। यानी जो डिस्पर्शन जो मेजर है, ये हमें ये मेजर करके बताती है कि जो आपका डाटा है वो कितना स्प्रेड हुआ है। अब इसके जो अंदर यूज, जिससे ये मेजरमेंट होती है, वो उसके लिए क्या यूज़ किए जाते हैं? रेंज हो गया, वेरियंस हो गया, या स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया डाटा सेट की। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्यूनेस। देखो, जो स्क्यूनेस है, ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी असिमिट्री है, उसको मेजर करके बताती है। अब जो हम इस चीज़ को मेजर किसके साथ कर सकते हैं? मीन के साथ, मीडियन के साथ, और या डाटा के मॉड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस। देखो, जो कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, ये रिलेशनशिप है मीन और मॉड, यानी जो आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके जो मीन और मॉड की आपस की रिलेशनशिप है, उसे हम कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसका मीडियन है या उसके जो क्वार्टाइल्स हैं, उनके जो आपस की रिलेशनशिप है, उसे बॉलेस स्क्यूनेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलिस मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब ये किस पे बेस्ड है? ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के परसेंटाइल्स पे बेस्ड है। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर्स। देखो, बेसिकली जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसमें अलग अलग चैनल मेंबर्स होते हैं, वो हर मेंबर क्या वैल्यू ऐड करता है? देखो, ये इसका मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू द बेनिफिट दैट इंटरमीडियरीज प्रोवाइड टू कस्टमर्स एंड मैन्युफैक्चरर इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। यानी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, उसमें जो आपके कस्टमर्स और मैन्युफैक्चरर रह रहे हैं, जो उस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में इंटरमीडियरीज हैं, वो क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में जो कस्टमर्स हैं मैन्युफैक्चरर को, उसे हम क्या देते हैं? वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर्स। नेक्स्ट इसमें जो एक मेन चीज़ है, देखो, जो आपका मार्केट ग्रोथ रेट होता है, इसका क्या मतलब है? इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन द साइज ऑफ मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर आप एक टाइम पीरियड को कंसीडर कर लो, उसमें जो परसेंटेज चेंज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, उसको हम मार्केट ग्रोथ रेट के नाम से जानते हैं। अब देखो, आपको जैसे पता है, आपके प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल की चार स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आती है इंट्रोडक्टरी स्टेज। देखो, अब इंट्रोडक्टरी स्टेज में कितने चैनल मेंबर्स जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में है, वो कैसे कितनी वैल्यू ऐड करते हैं? देखो, जो आपकी इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है प्रोडक्ट में, उसमें जो आपके चैनल मेंबर्स वैल्यू ऐड करते हैं, वो बहुत हाई होती है। जो मार्केट ग्रोथ रेट है, वो लो होता है, क्योंकि प्रोडक्ट अभी बिल्कुल न्यू है और उसको अभी प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेज आती है, वो आती है ग्रोथ की। देखो, जब ग्रोथ की स्टेज आती है प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में, तब जो आपके चैनल मेंबर्स द्वारा वैल्यू एडेड की जाती है, वो हाई होती है। और अब जो मार्केट ग्रोथ रेट है, वो भी अब हाई हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट ने पॉपुलैरिटी गेन कर लिया और उसकी डिमांड इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट हमारी जो स्टेज आती है, वो आती है मैच्योरिटी की। देखो, मैच्योरिटी की स्टेज में जो चैनल मेंबर्स हैं, वो लो वैल्यू ऐड करते हैं और जो मार्केट ग्रोथ है, वो हाई रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट अब क्या करेगा, वो ज़्यादा कंपटीशन फेस करेगा, अब उसको डिफरेंशिएशन और प्राइस रिडक्शन की ज़रूरत है। लास्ट जो हमारी स्टेज आती है, वो आती है डिक्लाइन स्टेज। देखो, डिक्लाइन स्टेज में जो आपके चैनल मेंबर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, जो वैल्यू ऐड करेंगे, वो तो लो होगी। अब इसमें मार्केट ग्रोथ रेट है, वो भी लो हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, वो अपने मार्केट शेयर को लूज करना स्टार्ट कर देता है और ऑब्सोलेट होना स्टार्ट हो जाता है। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। इस टॉपिक को मैं आगे भी आपको दो बारी करवा चुका हूँ, अब ऑन डेप्थ में जा रही है।
अगेन थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जो आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जिससे ये प्रोसेस बेसिकली रिड्यूस करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए है बैरियर्स को जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड होते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज फेस करते हैं टू एग्री टू कॉपरेट इकोनॉमिकली। सिंपल चीज है, देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग डिफरेंट कंट्रीज दैट एग्री टू कॉपरेट इकोनॉमिकली। यानी जो अलग अलग कंट्रीज जिन्होंने आपस में समझौता कर लिया वो एग्री कर गए हैं कि उन्होंने इकोनॉमिकली कॉपरेट करना है, वो अपने में क्या करेंगे जो उनके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, देखो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है, हार्मोनाइजेशन कितनी है पॉलिसीज की रेगुलेशन की उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है कि आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कितने लेवल्स होंगे अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। अब जो आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स है अगर मैं उसको सीक्वेंस में अरेंज करूं फ्रॉम लीस्ट इंटीग्रेटेड टू मोस्ट इंटीग्रेटेड, उनको आप उस फॉर्म में स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारे पास इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आती है वो आता है जो फर्स्ट लेवल आता है वो आता है फ्री ट्रेड एरिया का। ऑलरेडी हम इसे कर चुके हैं, अब और डिटेल में एज अ लॉजिकल सीक्वेंस में इसको स्टडी करते हैं। देखो जो आपका फ्री ट्रेड एरिया है इसमें क्या होता है, जो आपके ग्रुप ऑफ कंट्री हैं वो एलिमिनेट कर देंगे टैरिफ्स और कोटास को जो उनके ट्रेड पे हैं उनके आपस के ट्रेड पे, बट वो क्या करेंगे वो मेंटेन करेंगे अपने ट्रेड पॉलिसीज जो नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ है। यानी देखो जिन्होंने तो कॉपरेशन कर लिया वो तो मेंबर कंट्रीज हो गए, वो आपस में अपने ट्रेड जो आपस में वो ट्रेड करेंगे जो उन पे टैरिफ्स और कोटास ट्रेड पे उनको एलिमिनेट कर देंगे, बट वो अपने ओरिजिनल पॉलिसीज को रिटेन करेंगे अगर उन्होंने अपने नॉन मेंबर्स के साथ ट्रेड करना है, यानी नॉन मेंबर्स के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं होगी। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो नाफ्टा का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आया था, अगेन रिपीट हो रहा है, वो इसके बेस्ट एग्जांपल है फ्री ट्रेड एरिया की। देखो ये है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि कैनेडा मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट में आपस में किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटीग्रेशन का आता है वो आता है कस्टम यूनियंस। देखो ये वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो अडॉप्ट करेंगे कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ। यानी देखो एक चीज तो कॉमन है, वो अपने आपस में तो अपने जो ट्रेड बैरियर्स उनको तो एलिमिनेट करेंगे ही करेंगे, बट अब ये अपनी ओरिजिनल पॉलिसीज को रिटेन नहीं करेंगे, ये जो उनके नॉन मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ को अडॉप्ट करेंगे, एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेंगे। अगर मैं आपको ये तो था कस्टम यूनियन, नेक्स्ट अब हमारी जो आती है कॉमन मार्केट। देखो जो आपकी कॉमन मार्केट है इसमें जो आपकी ग्रुप ऑफ कंट्री है वो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल लेबर को अक्रॉस देयर बॉर्डर्स फॉलो करेंगे, वो अलाउ करेंगे इसको, इवन उनके पास एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होगी। लाइक जैसे कस्टम यूनियन में वो अपनी नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ एक कॉमन कस्टम ट्रेड पॉलिसी बना लेते थे ना, सेम तरीके से इनके पास भी एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी होगी, बट ये उसके साथ साथ गुड्स की सर्विसेज की कैपिटल और लेबर की अक्रॉस बॉर्डर फ्री मूवमेंट को अलाउ करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कॉमन मार्केट तो दैट इज मर्कोसर, MERCOSUR, जो कि एक सदरन कॉमन मार्केट है जिस किसमें डेवलप की थी अर्जेंटीना ब्राजील प्राग यूरुग्वे और वेनेजुएला में। इसको आप जरूर मार्क ऑन कर लो, एग्जैक्टली सेम मेरे वर्ड्स के अब जैसे मैंने बोला है सेम एज इट इज वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। यानी एनटीए ने पूछा था आप कॉमन मार्केट की एग्जांपल बताओ, उन्होंने आपको मर्कोसर लिख दिया, अब उन्होंने चारों इंटीग्रेशन लेवल्स बता दिए, चूज करके बताओ कौन सा इंटीग्रेशन लेवल इसमें किया अडॉप्ट है, सो उसका आंसर विल बी कॉमन मार्केट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटीग्रेशन का लेवल आता है वो आता है इकोनॉमिक यूनियन का। देखो ये वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कोऑर्डिनेट करेंगे अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को, और एक उनकी कॉमन मार्केट भी होगी। देखो जब जैसे जैसे हम लेवल पे आगे बढ़ते जा रहे हैं पिछले लेवल की चीज उसमें इंक्लूडेड होगी, यानी पिछले लेवल की तो सारी चीजें आएंगी, एडिशनल एक चीज और आ जाएगी। सो जो आपकी इकोनॉमिक यूनियन है इसमें आपकी पुरानी कॉमन मार्केट की सारी चीजें होंगी, और इसके साथ क्या होगा जो आपकी मेंबर ग्रुप ऑफ कंट्रीज है वो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को भी मैनेज करेंगे। अगर मैं इसके आपको एग्जांपल दूं तो EU जो कि सिंगल करेंसी जिसकी सिंगल करेंसी यूरो है, एक कॉमन सेंट्रल बैंक है यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक जिसका नाम है, उनके एक कॉमन बजट है जिसको हम यू का बजट कहते हैं, यानी यूरोपियन यूनियन की सिंगल करेंसी यूरो, उनका एक कॉमन सेंट्रल बैंक यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उनका कॉमन बजट यूरोपियन यूनियन का बजट। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन आता है वो आता है पॉलिटिकल यूनियन का। इसमें जो आपके ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं वो कॉमन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को शेयर करेंगे, और जो आपकी पिछली इकोनॉमिक यूनियन की वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है।
यानी क्योंकि एक सीक्वेंस है, लॉजिकल सीक्वेंस है, सबसे पहले फ्री ट्रेड एरिया, उसके बाद कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन में एक उनकी कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी और फ्री ट्रेड एरिया के सारी करेक्टरिस्टिक, कस्टम यूनियन के बाद कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट में कस्टम यूनियन की सारी करेक्टरिस्टिक एक और एडिशनल आ गई, कॉमन मार्केट के बाद इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन में कॉमन मार्केट की सारी करेक्टरिस्टिक एक उनकी एडिशनल आ गई, लास्ट में आते हैं आपके पॉलिटिकल यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन में कॉमन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक यूनियन की सारी करेक्टरिस्टिक। अगर मैं आपको पॉलिटिकल यूनियन के एग्जांपल दूं तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका एक फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का विद कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, कांग्रेस एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी उनका फेडरल सिस्टम तो है गवर्नमेंट का, उनमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है, प्रेसिडेंट भी है, कांग्रेस भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। सो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है फिक्स प्राइस ऑफर मेथड। अब ये क्या है, देखो जो फिक्स प्राइस ऑफर मेथड, जो ये मेथड है, इस ये किसका मेथड है, ये शेयर्स को इशू करना टू पब्लिक उसका मेथड है। अब जो ये शेयर्स इशू किए जाते हैं, ये किए जाते हैं फिक्स प्राइस पे, जिसको डिटरमाइन कौन करता है, कंपनी एडवांस में उसको डिटरमाइन कर लेती है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होता है शेयर प्राइस बिफोर द कंपनी गोज पब्लिक, एंड द डिमांड फॉर द शेयर इज ऑनली नोन आफ्टर द इशू इज क्लोज, सिंपल बात है। देखो जब इशूज को फिक्स प्राइस ऑफर मेथड के थ्रू इशू किया जाता है, यानी शेयर्स को इशू किया जाता है, इसमें कंपनी ने एडवांस में एक प्राइस को डिटरमाइन कर लिया, इन्वेस्टर्स को वो प्राइस पता है, बट जब जो आपके शेयर्स की डिमांड है वो जब आपका इशू क्लोज हो जाएगा तब आपको पता चलेगी। देखो जो फिक्स प्राइस मेथड है ये एक वे है जिससे इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ किया जाता है, इवन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इन इंडिया उसको भी किया जाता है। नेक्स्ट इसके कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व जो इसमें वो देखते हैं। देखो जो आपका फिक्स प्राइस मेथड है उसके जो फर्स्ट स्टेप आता है, जो कंपनियां दैट वांट्स टू इशू शेयर अपॉइंट्स अ मर्चेंट बैंकर एज अ लीड मैनेजर टू मैनेज द इशू प्रोसेस। सबसे पहले कंपनी का क्या काम है, जिसने शेयर्स को इशू करना है फिक्स प्राइस ऑफर मेथड के थ्रू, वो एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेगी जो कि लीड मैनेजर होगा, जो मैनेज करेगा पूरे इशू के प्रोसेस को। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, वो ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस को प्रिपेयर करेगी। अब ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन होगी कंपनी की, उसकी फाइनेंशियल्स की, उसके प्रमोटर्स की, उसके ऑब्जेक्टिव्स की, जितने रिस्क या जितने वो ऑफर्स की डिटेल है पूरी होगी, इवन फिक्स प्राइस जो शेयर का वो ऑफर करेंगे वो भी उसमें इंक्लूडेड होगा। उसके बाद जो कंपनी क्या, देखो ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर होगा, अब कंपनी उस ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस को फाइल कर देगी सेबी के साथ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, और स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे वो अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहती है। ओके, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेगी जो कंपनियां, अब वो ऑब्जर्वेशन सेबी से रिसीव करेगी, यानी सेबी अपने कमेंट्स देगा उस पर, अगर कोई नेसेसरी चेंजेस हैं जो चेंज करने हैं या ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस में रिकमेंडेड है वो चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेगी, कंपनी प्रिंट कर देगी और सर्कुलेट कर देगी जो उनका फाइनल प्रॉस्पेक्टस है पब्लिक को, और इन्वाइट करेगी एप्लीकेशन साइन के पास जो उन्होंने शेयर्स इशू किए हैं। उसके बाद जो कंपनी है एप्लीकेशन रिसीव करेगी इन्वेस्टर से, उनसे पैसा कलेक्ट करेगी। अब पैसा कैसे आ सकता है, चेक के थ्रू भी आ सकता है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी आ सकता है। नेक्स्ट जो कंपनियां शेयर्स को अलॉट कर देगी एप्लीकेंट्स को ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस, डिपेंड करता है अंडर सब्सक्रिप्शन है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, या मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं पूरी हुई, ये तो डिपेंड करता है केस टू केस है ये तो, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी है अलॉटमेंट करने के बाद शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी, क्रेडिट कर देगी शेयर्स को डीमैट अकाउंट्स में अलॉटेस की। ओके, लास्ट जो स्टेप पे आता है था, जो कंपनी क्या वो लिस्ट कर देगी शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में और उसकी ट्रेडिंग कमेंस कर देगी, यानी सेकेंडरी मार्केट में जितनी मर्जी आप परचेज सेल करो सिक्योरिटी। सो ये तो था पूरा लॉजिकल सीक्वेंस में पूरा प्रोसेस फिक्स प्राइस ऑफर मेथड का, जो एज इट इज पेपर में पूछा गया था। उन्होंने आपको चार ऑप्शन दे दी, अरेंज देम इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, आपको पूरा डिटेल में मैंने प्रोसेस समझा दिया, कोई भी चार पॉइंट उठा के अगर कह दिया इसको सीक्वेंस में अरेंज करो आप इजिली अब कर पाओगे। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं यूनकैट्स वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, यानी UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 को पढ़ने जा रहे हैं। देखो जो ये रिपोर्ट है ये शो करती है ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को, ग्लोबल जो FDI हो रही है। इस रिपोर्ट का क्या कहना था, जो ग्लोबल FDI आपकी वो 35% यानी 35% से डिक्रीज हो गई थी 2020 में, कितने से लेके कितने तक, यानी 1.4 trillion dollars जो 2019 में थी उससे वो रिड्यूस होकर सिर्फ 1 trillion पे आ गई इन 2020, अप्रॉक्स 20% डिक्रीज था। अब जो ये रिपोर्ट है ये डाटा प्रोवाइड करती है FDI के इन्फ्लोस पे रीजन और इकोनॉमी में 2020 के लिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया था 2020 की रिपोर्ट को लेकर, सो इसलिए मैं आपको ये डिटेल में करवा रहा हूं। देखो अगर मैं आपको
कुछ रीजन्स बताऊं जो इकोनॉमिक रीजन्स है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफडीआई इनफ्लोस, यानी जिसमें मैं आप इनको एक सीक्वेंस में बताऊंगा, सबसे कम एफडीआई इनफ्लो से लेके सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो किसमें हुआ था 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक। देखो सबसे ज्यादा कम जो एफडीआई इनफ्लो हुआ था वो हुआ था ट्रांजिशन इकोनॉमी से, सिर्फ $24 बिलियन था। उसके बाद सेकेंड में नॉर्थ अमेरिका में हुआ था $166 बिलियन का। यूरोप थर्ड है जिसमें उससे भी ज्यादा हुआ $189 बिलियन का। फोर्थ पे डेवलपिंग इकोनॉमी जिनमें $616 बिलियन की इन्वेस्ट इनफ्लो हुए हैं एफडीआई के। लास्ट आता है आपका डेवलप्ड इकोनॉमी जिसमें सबसे ज्यादा 2020 यानी $712 बिलियन का एफडीआई का इनफ्लो हुआ है। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आ रहा है जॉन मैक्सवेल के 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। जॉन मैक्सवेल एक बंदा था, उसने अपनी एक लीडरशिप थ्योरी दी जिसमें 5 लेवल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं। सो सबसे पहले उनको स्टडी करा जाता है। देखो जो सबसे लेवल नंबर वन आता है वो आता है पोजीशन का। जो देखो आपका लीडर है वो किसी पर्टिकुलर बंदे को एक ग्रांट कर देगा राइट टू लीड, यानी आपके लीडर ने एक बंदा चुना उसको ग्रांट कर दिया कि तुम लीड करो आपसे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, उसको अब राइट मिल गया लीड करने के, जितने भी पीपल है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड हो जाएंगे उसको फॉलो करने के लिए, वो उसको इन्फ्लुएंशियल मानेंगे, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। सेकेंड लेवल पे आता है परमिशन। अब यहाँ पे लीडर क्या फोकस करता है, वो फोकस करता है बिल्ड करने के लिए और रिलेशनशिप्स को ग्रो करने के लिए विद देयर एम्प्लॉयज, यानी उसका मेन मुद्दा क्या आता है, उसने अपने एम्प्लॉयज के साथ जो आपकी बिल्डिंग है, जो आपकी रिलेशनशिप है उनको बिल्ड करें और उनको ग्रो करें ज्यादा से ज्यादा। जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको फ्री परमिशन होती है लीड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो इसमें लेवल आता है वो आता है प्रोडक्शन का। यहाँ पे जो मेन फोकस होता है लीडर का वो होता है रिजल्ट्स को इंक्रीज करना। उसे रिजल्ट्स चाहिए, उसे ये चाहिए कि प्रोडक्शन के रिजल्ट्स मिले, पीपल उसको फॉलो करें क्योंकि उसका ट्रस्ट है पर्सन का उस पर, क्योंकि बंदों को पता है कि वो अच्छा काम करता है, यानी जो लीडर है उसको अच्छा काम करता है, विल लीड देम इन राइट डायरेक्शन, यानी जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं वो पूरे डैम श्योर हैं कि उनको जो डायरेक्शन मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, यानी उसको गलत डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि मेन लीडर का काम ही है रिजल्ट को अचीव करना। नेक्स्ट जो लेवल आता है पीपल डेवलपमेंट का। अब यहाँ पे है जो सर्वेंट लीडर्स हैं वो टीच करते हैं, मेंटर करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं अदर लीडर्स को, मतलब वो ऑब्टेन और मेंटेन करते हैं फॉलोअर्स को, यानी ऑब्टेन और मेंटेन, देखो दो वर्ड्स इकट्ठे यूज किए हैं, यानी वो लीडर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लीडर्स से लीडर्स बना रहे हैं, उनको मेंटेन करके रखते हैं, एक लेवल पे ले आते हैं। चौथा लेवल है ये उसका आपके जॉन मैक्सवेल का। सो इसकी ऑब्वियस चीज है जो नीचे से आपका फोर्थ लेवल पे आ रहा है, यानी इसके जो डायमेंशन होंगे हाई होंगे। अब ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं एवरीवन जो उनके अराउंड है, जिनको सभी को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलती है। जो लास्ट लेवल इसमें आता है वो आता है पिनेकल का। देखो ये रेयरेस्ट टाइप ऑफ लीडर होते हैं, ये वेल नोन होते हैं अपनी अकम्पलिशमेंट के लिए, उनको पता है कि हाउ दे हैव एनरिच्ड लाइफ्स ऑफ अदर, यानी उनको पूरा सॉलिड तरीके से पता है उन्होंने कितने बंदों के लाइफ्स को एनरिच किया है। ठीक है, जो इनके फॉलोअर्स हैं वो क्यों हैं, क्यों वो हैं, बिकॉज हु दे आर, हु व्हाट दे हैव डन, जो उन्होंने आज तक किया है, जो वो कर रहे हैं उनके कारण है उनके फॉलोअर्स, यानी ये पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे जॉन मैक्सवेल के 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। अब अगेन हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हैं, मेजर ऑफ स्क्यूनेस के रिलेटेड एक और टॉपिक है। देखो जो डिस्पर्शन होती है मैंने ऑलरेडी बता दिया, यानी आपके डाटा की वेरिएशन को मेजर करते हैं इसे, यानी ये बेसिकली आपके जो वेरिएशन है डाटा में उसको मेजर किया जाता है डिस्पर्शन के थ्रू। नेक्स्ट आपका जो कॉम्पेरेशन कोएफिशिएंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, अब ये आपके एवरेजेस के रिलेशन में है। ठीक है, जो आपकी बॉलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस है ये आपके मीडियन और क्वार्टाइल में जो रिलेशन है उसको इन्वॉल्व करती है। जो आपकी कैलिस मेजर ऑफ स्क्यूनेस है ये आपके परसेंटेज को यूज करती है। सो ये तो मैं ऑलरेडी आपको चीजें करवा चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मार्केट सेगमेंटेशन। देखो मार्केट सेगमेंटेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक, उसमें कितना ज्यादा पूछ रहे हैं, यानी कितनी बार पेपर में से क्वेश्चन आए, जो मैं ही आपको 3-4 बार ये टॉपिक करवा चुका हूँ। देखो जो अब आपको माइंड भी लग रहा होगा कि मैं टॉपिक कौन सी यूनिट में करवा रहा हूँ, कोई टॉपिक कौन सी यूनिट में करा, बट देखो मैं इसको इस तरीके से करा रहा हूँ कि जो आपका पेपर है वो क्लियर जरूर होगा, यानी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखो हर बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, उसको पूरा पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, एडवांस अकाउंटिंग क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, डिटेल में उसने बीकॉम एमकॉम में या एमबीए में सब कुछ पढ़ा हुआ है। देखो हमें तो उन टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करना है जिनमें से एनटीए क्वेश्चन पूछता है। सो इसलिए मैं हर टॉपिक के साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, 13 जून से पेपर स्टार्ट है यूजीसी का। सो मेरी कोशिश पूरी है मैं नियर अबाउट 1000 टॉपिक्स करवा दूँ जिनमें से पेपर आना ही आना है।
सो आज का नेक्स्ट टॉपिक अब करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन का। देखो मार्केट सेगमेंटेशन जो एक प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, मार्केट को स्मॉलर और स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी अलग अलग कस्टमर्स होंगे, अलग अलग सेगमेंट्स होंगे। अब जो ये सेगमेंट्स बनाई जाती हैं, नीड्स होगी, प्रेफरेंस होगी, या कोई भी प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक उठा लो, उसके अकॉर्डिंग बन सकती हैं। आपका कस्टमर कैसा है, यंग है, एडल्ट है, टीनेजर है, ओल्ड एज है, आपके प्रोडक्ट टेक्निकल है, बिल्कुल देसी है, यानी नॉर्मल है, इस सारी इन चीजों को डिपेंड करता है कि आप मार्केट को सेगमेंट कैसे करोगे। देखो अगर मैं आपको तीन मेन कंसोलिडेटेड स्टेजेस बताऊं, थ्री फेजेस बताता हूं कंसोलिडेटेड वे में, सबसे पहले रिसर्च किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। ये तीन कंसोलिडेटिव फेज हैं जिससे मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। अब इसमें कुछ आपके सेगमेंटेशंस को स्टडी करते हैं या कुछ पॉइंट्स को स्टडी करते हैं इन लॉजिकल सीक्वेंस। देखो सबसे पहले होती है नीड बेस्ड सेगमेंटेशन, यानी सबसे पहले ओवरऑल मार्केट को और टारगेट ऑडियंस को उनकी नीड्स और प्रॉब्लम्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, ताकि जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनकी नीड को सॉल्व कर सके, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। सेकेंड होता है सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन, इसमें की सेगमेंटेशन क्राइटेरिया डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि ज्योग्राफी हो सकता है, वो डेमोग्राफिक हो सकता है, साइकोग्राफी रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, बिहेवियर फैक्टर्स हो सकते हैं, और आपके जो पोटेंशियल बायस उनको ग्रुप कर दिया जाता है सेगमेंट्स में इन क्राइटेरिया के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस। देखो जो आपका रिसर्च है, जो मार्केट का जो आपके पोटेंशियल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और अट्रैक्टिवनेस को असेस कर रहा है, वो किन फैक्टर्स पे कर रहा है, साइज, आपका ग्रोथ पोटेंशियल, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपका कॉम्पिटिशन, आपकी कंपेटिबिलिटी, आपके ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज के क्या कैसी है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी और सेगमेंट पोजिशनिंग। देखो इसमें क्या किया जाता है, एक या एक से ज्यादा सेगमेंट्स को टारगेट किया जाता है, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है टारगेट करने के लिए और पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए। अब ये जो ये पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी है, ये किसके लिए डेवलप की जाती है, ये जो आपने सेगमेंट को सिलेक्ट किया ना, उसी के लिए डेवलप कर रहे हो आप। ये हाईलाइट करते हैं आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या जाके क्या टारगेट कर रहे हो, क्या बेचोगे, क्या आपकी यूएसपी है, यानी क्या आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, यानी इवन आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को डेवलप करने में हेल्प करती है। लास्ट में जो हमारे पास आता है वो आता है सेगमेंट का एसिड टेस्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है, आप मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो, ताकि जो आपके जो टारगेट सेगमेंट है उनको रीच आउट कर सको और आप अपनी इफेक्टिवनेस को चेक कर सको, यानी आपके जो आपने सेगमेंटेशन की वो इफेक्टिव रही है या फ्लॉप हो गई या बिल्कुल ही जीरो हो गया। आप अपने कस्टमर्स का रिस्पॉन्स को मेजर कर सकते हो, उनके प्रोस्पेक्ट्स को जज कर सकते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है रिलेटेड टू क्विक रेशियो और करंट रेशियो। प्लस टू में पहुंच जाऊं, कैश फ्लो स्टेटमेंट किया, उसमें क्विक रेशियो करंट रेशियो पहले नंबर पे आते हैं, उनमें से पेपर आया हुआ है, क्योंकि यूजीएससी के नेट के पेपर, कॉमर्स के पेपर टू के सिलेबस का हिस्सा है। अब इनको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो जो आपका क्विक रेशियो और करंट रेशियो, दोनों लिक्विडिटी रेशियोज हैं, जो मेजर करते हैं कंपनी की अबिलिटी को करंट लाइबिलिटीज को पे करने की, उनकी अबिलिटी क्या है विद रिस्पेक्ट करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज यानी देनदारियां जो एक साल के अंदर अंदर देनी है, करंट एसेट जो पैसा बना के देंगे, एक साल के अंदर अंदर पैसा बना के देंगे, क्या कंपनी की एबिलिटी है वो अपने ही करंट एसेट से अपने ही करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं। उसको कौन मेजर करेगा, क्विक रेशियो करेगा, करंट रेशियो मेजर करेगा। अब जो डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो जो आपका क्विक रेशियो वो एक्सक्लूड कर देता है इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, यानी करंट एसेट में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड ही नहीं करता, वो एक्सक्लूड कर देगा, क्योंकि उसका क्या मानना है, वो कहता है ये इजिली कन्वर्टेबल है ही नहीं कैश में, आपको डिस्काउंट रेट चाहिए इनको लिक्विडेट करने के लिए, कैसे इन्वेंट्री को खाली कर दोगे एक मिनट में, आपको पैसा कम करना पड़ेगा, किस तरीके से आप अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को डिस्काउंट करके पैसा में कन्वर्ट कर लोगे, इसलिए ये दोनों चीजें एक्सक्लूड करता है क्विक रेशियो इनमें से। अब जो क्विक रेशियो उसमें क्या क्या आता है, उसमें कैश आ गया, कैश इक्विवेलेंट्स आ गए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ गई, इवन और जो आपके अकाउंट रिसीवेबल, बस ये चीजें करंट एसेट्स में इंक्लूड की जाती है इन क्विक रेशियो। अब एक असर्शन आई थी पेपर में, क्या थी वो कह रहे हैं क्विक रेशियो इज मोर पेनिट्रेटिंग टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी देन करंट रेशियो एज इट ओनली कंसीडर द मोस्ट लिक्विड एसेट दैट कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ करंट लायबिलिटी एज इट इज, वर्ड टू वर्ड सीधा पेपर में असर्शन पाई डाली थी उन्होंने, सच है, बिल्कुल सच है। देखो जो क्विक रेशियो वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग टेस्ट है लिक्विडिटी का, क्योंकि उसमें वो ऐसी चीज है करंट एसेट में है ही नहीं जो इजिली लिक्विडेट ना हो सके, उसने अपने में आपने रखा ही वो चीज है जो रेडीली मार्केट में कैश में कन्वर्ट हो सकती है। कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट्स हो गए, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटी एक मिनट में, एक मिनट लगाओ 30 सेकंड में बिक जाते हैं, डिजिटल जमाना है,
30 सेकंड ही लगेंगे आप उनको सेल कर सकते हो। सो ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट थी। अब जो आपका हाई क्विक रेशियो उसका हर वक्त ये नेसेसरी ये नहीं मीन होता कि वो साउंड लिक्विडिटी होगी आपकी। यानी अगर आप ये कहो कि आप बॉस्ट आउट करो कि हमारा क्विक रेशियो बहुत साउंड है यानी हमारी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, नहीं है ये। आपका जितना मर्जी क्विक रेशियो अच्छा हो, माइंड भी आप कैश करंसी में ही होंगे, नहीं आपके पास इतने पैसे, इट डस नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल और मार्केटेबल ऑफ दिस सिक्योरिटी। यानी आप आपके जो रिसीवेबल्स हैं, जो आपकी मार्केटेबिलिटी है, सिक्योरिटी, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। देखो अ कंपनी मे हैव अ हाई क्विक रेशियो बट स्टिल फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम। क्विक रेशियो चाहे हाई हो, कंपनी को कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है क्योंकि उसके रिसीवेबल्स ओवरड्यू हो सकते हैं, माइट बी अनकलेक्टेबल हो सकते हैं, और जो उसकी सिक्योरिटीज है वो इलिक्विड और वॉलेटाइल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है, एक रीजन में डाला था उन्होंने, वो क्या कहते थे, अ कंपनी विद अ हाई वैल्यू क्विक रेशियो कैन सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फंड इफ इट हैज स्लो पेइंग डाउटफुल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन आउटस्टैंडिंग डेटर। जो मैंने आपको बात समझाई उन्होंने रीजन में डाल दी। बताओ रीजन इसका है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इसका इसी असर्शन का रीजन है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो कंपनी का क्विक रेशियो जितना मर्जी हाई हो तब भी वो शॉर्टेज ऑफ फंड्स को फेस कर सकती है क्योंकि जो उसके डेट्स हैं, जिन्होंने जिस कंपनी ने जिस बंदों से पैसा लेना, माइट बी वो स्लो पेइंग हो, वो डाउटफुल हो सकते हैं, उनकी लॉन्ग ड्यूरेशन हो, यानी बंदे ने 5 साल पैसा ही नहीं दिया, डाउट डेटर्स थे, कमिटमेंट करके क्या था 2 महीने में पैसा दे तो दिया नहीं, 5 साल नहीं दिया, सो कैश कहां से आएगा। ओके ये क्यों, क्योंकि जो ऐसे डेटर्स होते हैं ना, ये क्वालिटी और अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं जो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल किया, जो कि आपके क्विक एसेट्स का एक पार्ट होंगे। इवन जो कंपनियां हैं वो रिसीवेबल्स को ऑन टाइम कलेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास इनफ कैश ही नहीं अपने करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने का। ओके सो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आज के सेशन पे हम सेकेंड लास्ट टॉपिक में मूव ऑन करें जो कि है रिलेटेड टू डिविडेंड पॉलिसी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट के अंदर आता है। देखो जो डिविडेंड पॉलिसी है ये कंपनी की वो पॉलिसी है जो डिसाइड करती है डिविडेंड्स का अमाउंट और टाइम, यानी कंपनी कितने अमाउंट का डिविडेंड किस कौन से टाइम पे पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को। अब जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी है ये किस पे बेस्ड है, ये कंपनीज के प्रॉफिट पे, ग्रोथ पे और इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस पे बेस्ड है। यानी कंपनी कितना एक साल का प्रॉफिट अर्न कर गया, क्या उसका ग्रोथ रेट है, क्या इन्वेस्टर प्रेफर कर रहे हैं, वो फिक्स डिविडेंड चाहते हैं या वो अपनी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं। इवन कुछ डिविडेंड्स की यानी जो डिविडेंड पॉलिसीज है थ्योरीज को प्रेजेंट किया गया है, यानी पूरे डिविडेंड को एक्सप्लेन करते हैं। देखो डिविडेंड कंपनी का एक इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कंपनी की ग्रोथ को डिसाइड करता है, कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइजेशन को डिसाइड करता है। अब देखो कुछ थ्योरीज हैं जिन्होंने डिविडेंड पॉलिसीज को सजेस्ट किया था, कुछ इसे इररेलेवेंट मानती हैं स्टॉक प्राइस के लिए और कुछ ऐसे हैं जो अफेक्ट शेयर होल्डर के रिवॉर्ड, इसका अफेक्ट शेयर होल्डर पे रिवॉर्ड्स पे कंसीडर करती है। अब जो डिविडेंड्स है, देखो डिविडेंड का मैं मतलब समझा देता हूँ, वैसे तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि डिविडेंड्स क्या होते हैं क्योंकि आप यूजीस का पेपर देने जा रहे हो। अगेन एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। देखो जो डिविडेंड है ये होता है प्रॉफिट्स का शेयर जिसको शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंपनी के, और ये एक तरीके के शेयर होल्डर्स के रिटर्न है। शेयर होल्डर्स वो बंदे हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, हर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ना कोई रिटर्न होनी चाहिए। सो जो रिटर्न डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड है ये रिटर्न है शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। जो डिविडेंड है इसको कैश में भी पे किया जा सकता है और इवन स्टॉक में भी पे किया जाता है, यानी इन काइंड भी होता है, बोनस शेयर्स इशू करते हो वो भी डिविडेंड है। ओके देखो जो डिविडेंड है वो अफेक्ट करता है स्टॉक प्राइसेस को इन वेरियस पे। अब कुछ चीजों को स्टडी करते हैं। देखो जो डिविडेंड है वो क्या सिग्नल देता है, वो सिग्नल देता है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का, उसकी अर्निंग्स की ग्रोथ का, यानी जो उसकी अर्निंग्स है उसकी क्या ग्रोथ है इन्वेस्टर्स को लेकर, जो डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं और प्राइस ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिविडेंड है वो रिड्यूस करता है रिटेन अर्निंग्स और जो कैश रिजर्व्स है कंपनी के, क्योंकि देखो क्योंकि इधर पेमेंट देनी पड़ेगी, पेमेंट यानी आउटफ्लो होगा कैश का, जिससे क्या होगा कंपनी के जो रिटेन अर्निंग्स है जो कैश रिजर्व्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे जो आपके स्टॉक की वैल्यू है वो लोअर होगी। नेक्स्ट जो डिविडेंड है वो टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करता है शेयर होल्डर्स पर, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम पे एज पर न्यू टैक्स रिजाइम डिविडेंड अब टैक्सेबल हो गया इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, जिससे क्या होगा जो नेट रिटर्न्स है शेयर होल्डर्स की वो रिड्यूस होंगी क्योंकि उनको अब टैक्स के भी पेमेंट करनी पड़ेगी और जो स्टॉक है वो लेस अट्रैक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे ये टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेटेंट। देखो पेटेंट्स क्या है, इससे पहले एक टॉपिक था मार्केटिंग का। देखो मार्केटिंग क्या है,
इसको पेटेंट करने से पहले एक मार्केटिंग का टॉपिक भी बता देता हूँ। देखो मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिससे हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनको रिटेन करते हैं। बिजनेस न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, अगर मार्केटिंग नहीं की तो वो बिका गया, खुद ही चल के अपने कस्टमर के पास चल जाएगा प्रोडक्ट। आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी दो, अच्छी चीज दो, वो अट्रैक्ट होंगे, वो रिटेन होंगे बिजनेस में। जितने ज्यादा वो कस्टमर्स अट्रैक्ट और रिटेन होंगे उतनी आपकी सेल्स बूस्ट होंगी, जितनी सेल्स बूस्ट होगी उतना आप रेवेन्यू जनरेट करोगे। दो स्टेटमेंट आई थी, सबसे पहले मार्केटिंग एम टू मेक सेलिंग सुपर फ्लॉस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपकी मार्केटिंग ही ऐसी चीज है जो आपके प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करती है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या थी, मार्केटिंग एम्स टू रिजल्ट इन द कस्टमर हु इज रेडी टू बाय। देखो बंदे के पास जितना मर्जी पैसा हो, कस्टमर के पास पैसा है वो विलिंग है, भले उसको प्रोडक्ट का पता ही नहीं चला तो वो खरीदेगा क्या, सो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही क्या। सो मार्केटिंग ऐसी चीज है जो रिजल्ट करती है कस्टमर में, जो वो रेडी है बाय करने के लिए। सो एज इट इज दोनों स्टेटमेंट पेपर में से दोनों ही करेक्ट है। सो नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करें, नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं पेटेंट का। देखो जो पेटेंट्स हैं ये आपके इन्वेंशंस को इनकरेज करते हैं, कैसे इनकरेज होगे, बाय प्रमोटिंग देयर प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन सो एज टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आपने ऐसी इन्वेंशन की पूरी इंडस्ट्री में हेल्प करो, पूरी इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करेगी, बट आप चाहते हो कि ना कोई कॉपी कर पाए, पेटेंट ले लो उसका, वो आपको प्रोडक्शन मिल जाएगी। कोई बंदा मजाल है आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वेंशन को कॉपी करके दिखा दे, उसको यूटिलाइज ही नहीं कर सकता, ये है काम पेटेंट्स का। अब देखो जो पेटेंट है ये ना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फॉर्म है, क्योंकि ये आइडियाज और इनोवेशंस को रिवॉर्ड करता है यूनिक, और जो यूनिक है और सोसाइटी के लिए यूजफुल है, यानी आपको कोई डर नहीं है। अगर आपने कोई इन्वेंशन की, कोई इनोवेशन की, आपको कोई डर नहीं है वो चोरी हो जाएगा या कॉपी पेस्ट हो जाएगा और आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। आप पेटेंट कराओ, मजाल कोई भी नहीं उसको कॉपी पेस्ट कर सकता। सो पेटेंट ऐसे आइडियाज को रिवॉर्ड करते हैं ये, बट शर्त क्या, देखो आप पेटेंट करता है उसके एक्सचेंज में क्या होगा, उसके एक्सचेंज में आपको इन्वेंटर है जो इसके आइडिया जनरेट किया उसको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा पब्लिक को, या अदर दूसरे बंदों को टीच करना पड़ेगा एज अ वर्क, हाउ इट वर्क्स। जो पेटेंट ओनर है वो लाइसेंस ले सकता है, उसको सेल कर सकता है, और इवन पेटेंट राइट्स को किसी और बंदे को भी दे सकता है। पेटेंट लेने की एक सिंपल शर्त है, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ फायदेमंद सोच रहे हो तो उसको डिस्क्लोज करो पब्लिकली, क्योंकि हर बंदा उस चीज से फायदा ले सके। आज के टॉप सेशन का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं एसएससी, इनकम टैक्स में पहुंच जाओ, इनकम टैक्स के यूनिट में पहुंच जाओ। एसएससी कौन है, जिस बंदे ने टैक्स पे करना, सिंपल, यानी जो बंदे पे टैक्स लायबल है उसकी इनकम पे टैक्स लायबल है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, चाहे अदर सोर्सेज की इनकम है, चाहे उसकी बिजनेस और प्रोफेशन है, चाहे उसकी सैलरी इनकम है, टैक्स देना है, मतलब वो एसएससी है। एक बार इसको डिटेल में देखते हैं। देखो एसएससी वो इंडिविजुअल है जो लायबल है टैक्सेस को पे करने के लिए, किसको पे करना है, गवर्नमेंट को, अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इनकम अर्न्ड और एनी लॉस इनकर्ड बाय हिम फॉर अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। अगर कोई एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में उसको इनकम हुई है, उसको प्रॉफिट हुआ है, उसने इवन लॉस इनकर किया, उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, यानी वो लायबल है टैक्स पे करने के लिए, वो होता है एसएससी। अब जो पर्सन है, अब जो इनकम टैक्स के डेफिनेशन में पर्सन की डेफिनेशन है, वो उसमें क्या क्या इंक्लूसिव है, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, कंपनी होगी, फर्म हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, कोई लोकल अथॉरिटी, इवन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी कंपनीज, कंपनी भी एसएससी हो सकती है क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। सो ये तो था डिटेल में आज का सेशन के टॉपिक्स। मैंने ऑलमोस्ट आपको 213 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए हैं। सो होप सो आपको मेरा सेशन अच्छे लग रहे होंगे। सो बिफोर वाइंडिंग अप आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू हु जेन्युइनली फाइंड माय सेशंस यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मैं 100% शॉर्ट टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो मिलते आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। मेरा एम क्या, मैं आपको 1000 टॉपिक्स करवा दूँ बिफोर योर एग्जाम, जिससे 100% आप 95+ percentile स्कोर कर सको, इवन 100 percentile को टच कर सको पेपर 2 में, क्योंकि कॉमर्स के रिलेटेड मैं करवा रहा हूँ और आपका GRF और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। GRF क्लियर हो गया तो मतलब आपका UGC नेट क्लियर होगा। सो मिलते हैं कल। सो गुड इवनिंग, हैव अ गुड डे अहेड।